नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। विरार अंतर्गत अग्रसेना महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल के कार्यालय पर आज दोपहर में एक सर्वपक्षीय बैठक रखी गई थी। उस बैठक में से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता जॉन परेरा ने क्या कुछ कहा और क्या अपने विचार व्यक्त किए, सुनिए वीडियो में आ गए। जॉन परेरा साहब काय सांगाल, आज कुठेतरी विपक्ष एकत्रित झालेला आहे, हा तुमचा एकत्रितपणा कुठपर्यंत आणि कसा टिकेल? आम्ही एकत्र झालेलो आहोत ते अशासाठी की वसई विरारची जी बेकार परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, आज वसई विरारची परिस्थिती बघता देशामधली जी महानगरपालिका ज्या आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यात वर्स्ट महानगरपालिका जर जी असेल तर ती वसई विरार शहर महानगरपालिका आहे। ती सुधारायची असेल तर ती बहुजन विकास आघाडीच्या तावडीतून सोडायला पाहिजे आणि ती सोडण्यासाठी आम्ही सर्व विरोधी पक्ष आम्ही एकत्र आहोत। राऊत साहेब काय सांगाल, जनता दलाची एका वेळेला या ठिकाणी चांगली वचक होती, ती कुठे आता दिसत नाही, पण असाच प्रयोग गेल्या काही वर्षापूर्वी तुम्ही सर्व मिळून करत होतात, एक चांगले विरोधक म्हणून जितेंद्र ठाकूरच्या विरोधात उभे होते, तोच पर्याय इथं या ठिकाणी चालू आणि हे कितपत तुमची कितपत याच्यामध्ये साथ असणार? आम्ही ह्या सर्व पक्ष याच्यामध्ये आम्ही संपूर्ण आम्ही साथ आहे आमची, आणि काही वर्ष जी काही गेली तर आता आम्हाला सर्वांना एकत्र आल्याशिवाय पर्याय नाही आहे, कारण ही महानगरपालिका म्हणजे भ्रष्ट महानगरपालिका आहे। जर ह्याची चांगली जर कसून चौकशी जर झाली तर प्रत्येक विभाग ह्यातला प्रत्येक डिपार्टमेंट हे एवढं भ्रष्ट आहे की या महानगरपालिकेलाच अख्खं टाळं लावावं लागेल, आणि मग ह्याच्या विरोधात आता आम्हाला एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे, कारण इकडली सत्ता परिवर्तन झाल्याशिवाय इकडले लोकांचे प्रश्न सुटणार नाही हे आता आम्हाला सर्व पक्षीयांना कळलेलं आहे, आणि त्याच्यासाठी आम्ही एकत्र येऊन आता हा लढा देणार, आणि हा जास्तीत जास्त आम्ही सर्व पक्ष एकत्र जास्त काही वर्ष अगदी नगरपालिका निवडणूक तर आहेत, त्याच्यापुढे येणाऱ्या सर्व निवडणुका आहेत या आम्ही सर्व एकत्र मिळून आम्ही लढणार आहोत। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नाला सुपारा वसई विरार की ऐसी हालत है पहले से देखी जा रही है, पर हितेंद्र ठाकुर द्वारा ये जो अभद्र भाषा का यूज किया गया था इसी के बाद सारे विपक्ष एक साथ क्यों हुए, इसके पहले क्यों कोई नाला सुपारा वसई विरार की हालत देखकर एक साथ नहीं आया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, विपक्ष तो पहले इकट्ठे नहीं हुए थे क्योंकि एक दूसरे हर एक विपक्ष अलग अलग पार्टी है, हर एक का विचारधारा अलग अलग है तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ तो सब एक ही है। सवाल यह है कि उस दिन जिस तरह 15 अगस्त में जिस तरह भाषाएं इस्तेमाल की गई वो पूरा असंस्कृति भाषा थी, असंस्कृति भाषा इस्तेमाल करना किसी को भी अच्छा नहीं लगा, तो इस मुद्दे पे सब इकट्ठा आ गए। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले हम इकट्ठे साथ में नहीं थे करके, इससे पहले कई तो सर्वपक्षीय मोर्चे निकाले हुए हैं, सर्वपक्षीय निकाले हुए हैं, हम साथ में थे। द्वारा विपक्ष की लाइकी निकाली गई और गिन सुनकर 25 लोग बताए गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, वो बोल गए ना, इसमें सब उसमें समझ में आ गया आपको कि हमारे अभी तक ऐसा नहीं है कि विपक्ष के बारे में कभी बोलता था, नहीं बोलता था, उसको बोलना पड़ा, अभी उसको बोलना पड़ा, इसमें सब आ गया। उनको जब सवाल किया गया कि आपके ऊपर FIR की मांग की जा रही है तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वो मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? उनको तो आदत है, FIR क्या बोलो, टाड़ा बोलो, सब का सब हमारे ऊपर कुछ करवा के दिखा दो, हम तो बाहर ऐसे घूमते रहेंगे, उसे आदत से वो बोल दिया। कहीं ये सोची समझी राजनीति स्टंट तो नहीं है? किसकी का, हमारी कहती है कि आप उसकी कहती है? हम आमदार की तरफ से बोल रहे हैं। हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, होने में फर्क है। आप भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं, एक स्पष्ट जवाब दीजिए कि क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए बात ऐसी है, इस तालुका का जो सत्यानाश हो गए ना ये सब 30 साल से हो रहा है। सर मैं वो नहीं बोल रहा, मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि ये जानबूझ के स्टैंड है या सही में उनको आक्रोश था? ये आक्रोश नहीं तो उनका, ये तो गुमराह करने के लिए उसने बात जानबूझ के स्टैंड था। आपने आप ये खुल के कह दिए ना कि जानबूझ के स्टैंड था उनका? ये जानबूझ के स्टैंड था बिल्कुल, क्योंकि इस तालुका का जो सवाल पैदा था उनकी वजह से हो गए सारे सवाल। परेरा जी, आपने कल का आमदार जी का स्पष्टीकरण सुना है? सुना तो है मैं। हाँ, तो उसमें उन्होंने एक अहम बात ये भी कही है जो सच्चाई भी है, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा है कि एक समय था जब 2 या 4 अधिकारी थे तब भी काम होता था, आज 40-40 अधिकारी ये काम नहीं होता है। वसई विरार महानगर पालिका में इस समय 14 से ज़्यादा DMC है, AMC नहीं है, इंजीनियर नहीं है, उसके बावजूद 14-14 DMC है, और काम जमीन पर आज भी 2018 में भी पानी में वसई विरार डूबा था और आज भी डूबा है।
तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए उनकी पार्टी जिम्मेदार है क्योंकि हर काम में उनका हस्तक्षेप है, उनका हस्तक्षेप है। ये काम हमारे के हिसाब से होना चाहिए, हमको इतना मिलना चाहिए तभी काम हो सकता है। आज जो भी महानगर पालिका में जो जितने भी अधिकारी है ये उनके तरफ से भरे हुए है। तो हितेंद्र ठाकुर द्वारा जो महानगर पालिका नाला सुपरा वसई विरार का विकास नहीं हो रहा उसका जिम्मेदार ठहराया गया, क्या ये सही है? हम उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। इसलिए 3 साल से प्रशासकीय राज है, आप कैसा कह सकते हैं कि उन्होंने बनाए? एक बात रूम है जी, 3 साल में जितने भी काम होते हैं रोड के ऊपर कप्पा भी लगता है तो भी उनके जो चेले हैं उनके जो भक्त है कहते हैं ये देखो ये हमारे काम हो रहा है ना, ये हमारे लोक नेता के माध्यम से हो रहा है। तो फिर नंदाकाल तालाब का तो सुशोभीकरण हो गया, हमारे अभी पत्रकार राकेश जी ने देखा ये भी 3 साल में हो गया, तो उसका उद्घाटन करने के लिए खुद ने पार्टी कैसे आएगी? अगर 3 साल में महानगर पालिका गलत कर रही है ऐसे कर रहे हैं तो उसका उद्घाटन वो क्यों करने क्यों आगे? वो भी पार्टी के हिसाब से वो तो गलत ही कर रहे हैं। काम होता है तो क्रेडिट हमारा है, काम बिगड़ जा रहा है लोग गाली दे रहे हैं तो हमने ये उसके लिए आयुक्त तो जिम्मेदार है। यही उनकी राजनीति है जो झूठी राजनीति है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अरे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।